निश्चित ही इस सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिनट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम करे वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है। 2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए एक दूसरे प्रदेशों के बीच में और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे और मिलट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों की आय दुगनी करना, उसमें मिलट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करें। आज जो मिलट्स हैं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, समाप्त होती जा रही थी। आज मिलट्स का 35 रुपये 78 पैसा मंडवे का MSP घोषित हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि आज मिलट्स में इतनी संभावनाएं हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई मंडवा खाता है तो उसे शुगर नहीं होती, कोई गहूँ की दाल खाता है उसे बथरी नहीं होती, कोई चौलाई खाता है तो उसे जो है घुटने में पेन नहीं होता, और जो चौलाई खाता है उसे कभी कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कितनी ताकत चौलाई के अंदर होती है। तो हम लोगों को इस ओर अग्रसित कर रहे हैं।